नमस्कार मित्रों, वेद और पुराण हमें आध्यात्मिक और अलौकिक जगत के कई रहस्यों का परिचय करवाते हैं, जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। आपने हमारी प्रस्तुति वैकुंठ लोक भाग 1 और 2 में वैकुंठ लोक के कई रहस्यों को जाना। आज की इस प्रस्तुति में हम वैकुंठ लोक कैसा दिखाई देता है और हमारे शास्त्रों में वैकुंठ लोक का कैसा वर्णन किया है, साथ में मोक्ष के बारे में भी इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताएंगे। आध्यात्मिकता एवं ज्ञान वृद्धि हेतु हमारी चैनल आर्य लोक को सब्सक्राइब करें। वैकुंठ शब्द का अर्थ है बिना किसी चिंता का निवास। वि का मतलब होता है नहीं और कुंठ का मतलब होता है चिंता। इसके अलावा वैकुंठ शब्द की और भी व्याख्या की गई है, जैसे कि जहां कुंठा न हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है, अकर्मण्यता नहीं है, निराशा नहीं है, हताशा नहीं है, आलस्य नहीं है, दरिद्रता नहीं है, ऐसा परम पवित्र धाम। पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ के कई नाम बताए गए हैं, जैसे कि मोक्ष, परमपद, अमृत, विष्णु मंदिर, अक्षरधाम, परमधाम, वैकुंठ, शाश्वत पद, नित्यधाम, परम व्योम, सर्वोत्कृष्ट पद तथा गोलोक धाम। अब हम पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ का जो वर्णन किया गया है इसके बारे में बताते हैं, तो इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। पद्म पुराण में बताया गया है, वैकुंठ लोक अनेक जनपदों से व्याप्त है। वह रत्नमयी मकानों, विमानों और मणिमय महलों से सुशोभित है। इस वैकुंठ के मध्य भाग में भगवान श्री हरि की साकेत नगरी है, जिसके चारों दिशा में 4 द्वार है। पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड नाम के द्वारपाल, दक्षिण के द्वार पर भद्र सुभद्र नाम के द्वारपाल, पश्चिम के द्वार पर जय विजय नाम के द्वारपाल तथा उत्तर के द्वार पर धाता विधाता नाम के द्वारपाल रहते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु के असंख्य पार्षद निवास करते हैं। पार्षद का मतलब होता है देव भक्त या प्रभु के सहायक। इन पार्षदों का रूप भी भगवान विष्णु के जैसा ही होता है। यह पार्षद गले में कौस्तुभ मणि की जगह वन मालाएं धारण करते हैं। इन पार्षदों को समय समय पर समाज को सार्थक संदेश देने के लिए श्री हरि विष्णु उन्हें पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। वैसे तो श्री हरि के असंख्य पार्षद है, लेकिन उनमें से 16 पार्षद मुख्य है। विश्वक्सेन, जय विजय, बल और प्रबल, इनके बारे में कहा जाता है कि यह भक्तों का मंगल करते हैं और भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। जय और विजय नाम के पार्षदों को श्राप मिलने के कारण धरती पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा था। चंड प्रचंड, कुमुद और कुमुदाक्ष श्री हरि के भक्तों के लिए अति कृपालु बनकर सेवा करते हैं। शील, सुशील व सुषेण श्री हरि के भावुक भक्तों का बराबर ध्यान रखते हैं। नगरी के मध्य भाग में भगवान का मनोहर अंतःपुर है, जो मणियों से युक्त और सुंदर गोपुर से सुशोभित है। दिव्य अप्सराएं और स्त्रियां सब ओर से उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाती हैं। उसके बीच में एक दिव्य मंडप है, वह मंडप रत्नों का बना है। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल है, जो उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान है, जिसमें परम पुरुष भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होते हैं। भगवान का श्री विग्रह नील कमल के समान श्याम तथा कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वे तरुण कुमार से जान पड़ते हैं। सारा शरीर चिकना है और प्रत्येक अवयव कोमल और खिले हुए लाल कमल जैसे हैं। हाथ तथा पैर अत्यंत मृदुल प्रतीत होते हैं। नेत्र विकसित कमल के समान जान पड़ते हैं। सुंदर नासिका, मनोहर कपोल, शोभायुक्त मुख कमल, मोती के दाने जैसे दांत और मंद मुस्कान की छवि से युक्त मूंगे जैसे लाल लाल ओठ हैं। मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की शोभा धारण करता है। कमल जैसे मुख पर मनोहर हास्य की छटा छाई रहती है। भगवान के बालों में पारिजात और मंदार के पुष्प शोभा पाते हैं। गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है, जो प्रातः काल उगते हुए सूर्य की कांति धारण करती है। भांति भांति के हार और सुवर्ण की मालाओं से शंख जैसी ग्रीवा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। शरीर पर मुलायम पीताम्बर सुशोभित है, जो बाल रवि की प्रभा के समान जान पड़ता है। दोनों चरणों में सुंदर कड़े विराज रहे हैं।
उनके ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र हैं तथा नीचे की भुजाओं में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। भगवान के वाम भाग में माता महालक्ष्मी विराजमान हैं। महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु सनातन परम व्योम में सानंद विराजमान रहते हैं। विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, ग्रही, सत्या तथा ईशाना, ये सब परमात्मा श्रीहरि की पटरानियां हैं। यदि कोई वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है तो वह जीवन और मृत्यु के इस निरंतर चक्र से मुक्त हो जाएगा, अर्थात वह संसार के इस सागर से मुक्त हो जाएगा और इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष के भी कई प्रकार होते हैं और इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए। सहुजिया मोक्ष, यहाँ जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा अपनी पहचान खो देती है। सालोक्य मोक्ष, यहाँ जीव भगवान विष्णु के एक ही निवास में रहता है, अर्थात आत्मा को वैकुंठ में स्थायी निवास मिलता है। सरूप्य मोक्ष, यहाँ जीव भगवान विष्णु के समान रूप को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा का भी एक शरीर है जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले चार हाथ हैं। सृष्टि मोक्ष, यहाँ जीव को वही ऐश्वर्य और शक्ति प्राप्त होती है जो भगवान विष्णु को प्राप्त होती है। संप्य मोक्ष, यहाँ जीव भगवान की निरंतर संगत में रह सकता है। मोक्ष की इस जानकारी के बाद आपके मोक्ष के बारे में काफी संशय दूर हो गए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग वैकुंठ में रहते हैं उनमें प्रकृति की पूर्णता होती है, जिसका अर्थ है कि वे इच्छा रहित होते हैं और वैकुंठ के निवासियों के बीच कोई वैमनस्य या ईर्ष्या नहीं होती है। वे भगवान विष्णु की सेवा के माध्यम से यह पूर्ण संतुष्टि और शांति पाते हैं। इस प्रकार वैकुंठ के निवासियों और उनके भगवान के बीच भी पूर्ण सामंजस्य है। कहा जाता है कि वैकुंठ के निवासियों को विष्णु के प्रति अपने आप यानी स्वयं की तुलना में लाखों गुना अधिक प्रेम है। वैकुंठ में विष्णु की सेवा करने का दिव्य प्रेम ऐसा आनंद देता है कि भौतिक संसार में अनुभव की जाने वाली इंद्रिय तृप्ति नगण्य और अर्थहीन हो जाती है। वैकुंठ में सब कुछ केवल शुद्ध सत्व या पवित्रता और अच्छाई की विधा में मौजूद है। तो मित्रों, आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो कमेंट में आपके इष्ट देव का नाम जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही मूल्यवान बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।